एक तोता था, वो माँ दुर्गा का बहुत ही परम उपासक था। उसने माँ से बहुत रिक्वेस्ट किया, माँ मेरा रूप भी सुंदर नहीं है। उस समय तोते का रूप सुंदर नहीं हुआ करता था, घर में कलह रहता है, खाने को दाने नहीं मिलते हैं, लोग हम लोगों से नफरत करते हैं। माँ अंबिका प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, आज से तुम्हारी नाक जो चपटी हुई है वो सुग्गे की नाक विश्व में प्रसिद्ध होगी, तुम्हारे परिवार में अमन चैन रहेगा, तुम्हारी कर्कश बोली नहीं रहेगी, तुम मीठे बोल बोलोगे, तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी में सुख शांति होगा, कोई कलह नहीं होगा और तुम मेरे उत्तर चरित का पाठ किया करो। भगवती के ऐसा कहने पर वह तोता भगवती के उत्तर चरित का पाठ करने लगा और उत्तर चरित के पाठ से उसके घर में सुख सौंदर्य प्रेम सब कुछ आने लगा। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भगवती के उत्तर चरित्र को समझें, उत्तर चरित्र को पढ़ें और अपने माता को प्रसन्न करने की कोशिश करें। ये आपके जीवन में सुख सौंदर्य भर देंगी, शांति भर देंगी और आप आनंदपूर्वक जीवन जीने के योग्य हो जाएंगे। भगवती उत्तर चरित्र में माँ पार्वती के देश से कौशिकी देवी का प्रादुर्भाव होता है और पार्वती माँ कौशिकी के जन्म लेने के बाद इतनी काली हो जाती हैं कि उनका नाम माँ काली पड़ जाता है और वो हिमालय में तप करने के लिए चली जाती हैं। माँ अंबिका इतनी सुंदर हैं कि उनके सौंदर्य को देख करके राक्षसों का राजा शुंभ निशुंभ का दूत जा करके कहता है कि प्रभु आपके पास सब कुछ है लेकिन वो नारी नहीं है जो मैंने देखा है हिमालय की वादियों में, आप उसके धारण करने के योग्य हैं और आप उससे शादी कर लीजिए, पाणिग्रहण संस्कार कर लीजिए। भगवती के पास दूत आता है, भगवती कहती है कि मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जो मुझे युद्ध भूमि में हराएगा मैं उसी का पाणिग्रहण संस्कार करूंगी, अगर तुम में क्षमता है तो तुम मुझे हरा करके दिखाओ। पंचमो अध्याय ओमस्य उत्तर चरितस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंदः भीमा शक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्त त्वम्।